हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिमेनिंग रिजल्ट बचे हुए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के, वो कब तक अनाउंस कर दिए जाएंगे, उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट मुझे मिलेगी मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुंचा दूंगी। जब भी आपका रिजल्ट अपडेट होगा पोर्टल पे, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आप टाइमली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट देख सकें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, जो रिजल्ट है वो डे बाय डे लेट होता जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल छत्रपति साहू जी महाराज से नोटिस प्रोवाइड की थी कि जो आपका एडमिशन का लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो या तो आज आ जाएगा, अगर आज रिजल्ट आपका नहीं आता है तो फिर 28, 29, 30 तारीख तक आ सकता है। यानी 29, 30, 31 तक भी आपका रिजल्ट आ सकता है। 31 तारीख लास्ट डेट है, तो हो सकता है उससे पहले ही यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट घोषित करते, क्योंकि कई बार लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो कई बार एक्सटेंड हो चुकी है और रिजल्ट भी डे बाय डे लेट होता जा रहा है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने एक ट्वीट भी किया था, यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये इनका ट्विटर अकाउंट है जिसपे इन्होंने ट्वीट किया था यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को लेकर, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था कि जो रिजल्ट है वो प्रोसेस पे है, यानी जो रिजल्ट है वो जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा पोर्टल पे। ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। उसके बाद इन्होंने एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसपे इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर रिजल्ट आपका अपडेट होता है या जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जैसे बीकॉम, एमकॉम, बीएससी वालों को जो रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं, अगर इनमें से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है रिजल्ट को लेकर या कोई भी इशू है, तो वो अपने प्राचार्य से संपर्क कर सकता है, गूगल फॉर्म है उसे फिल करके अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। ये इन्होंने ट्वीट किया है। तो गाइस, यही सारी चीजें हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो या तो आज आ जाएगा, अगर आज नहीं आता है तो आपका 28, 29, 30 तक आ ही जाएगा। 31 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आना तय है, क्योंकि लास्ट डेट है कब तक चीजें एक्सटेंड की जाएंगी, एडमिशन का प्रोसेस कब तक एक्सटेंड किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी ने बहुत सोच समझ के ही लास्ट डेट एक्सटेंड की है, तो 3-4 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। इतना ज्यादा ही इंतजार करा दिया यूनिवर्सिटी ने कि अब तो रिजल्ट का मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है बच्चों का, कि रिजल्ट कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, वो इसी में परेशान है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, बार बार चेक करते हैं, ये होता है कि रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो आप टेंशन ना ले, जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।